राजवाला में आईजीएनपी नहर में चार शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। नहर में तीन शवों की शिनाख्त हो चुकी है और वहीं तीन मृतक पंजाब के निवासी बताए गए और साथ ही पिता पुत्र की हत्या कर नहर में शव फेंके गए थे। दो मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द किए गए, वहीं एक शव की शिनाख्त होनी अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ SHO संदीप कुमार ने इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। IGNP नहर में शव मिलने के मामले में खुलासा हो चुका है। तीन शवों की शिनाख्त पुलिस कर चुकी है, वहीं एक शव की शिनाख्त होना अभी बाकी है। दो मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। छत्तीसगढ़ SHO संदीप कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि ये खबर खाजूवाला से है, जहां IGNP नहर में चार शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छत्तीसगढ़ पुलिस को इन शवों की शिनाख्त करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने तीन शवों की शिनाख्त कर दी है, जो कि पंजाब के निवासी बताए गए और साथ ही पिता पुत्र की हत्या कर नहर में फेंके गए दो शव थे, जिनकी शिनाख्त पुलिस कर चुकी है और इस पूरे मामले में पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं एक शव की शिनाख्त होना अभी बाकी है। और इसी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए वन संवाददाता सुरेंद्र मंडा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी सुरेंद्र, बताएं। जी, जो कि बताना चाहूंगा कि ये मामला तीन दिन पूर्व का है, जो IGNP नहर की 465 पर चार अज्ञात नहर में तैरते हुए शव मिले थे, जिसको छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि तीन शव की शिनाख्त हो गई, जिसमें से दो शव है जो पंजाब के निवासी है, पिता और पुत्र है, जिनकी नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करके हाथ पैर बांधकर नहर में फेंकी गई हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को अपने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इसमें एक शव की अभी भी पहचान होनी बाकी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इसकी भी जल्द ही शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें ज्यादा ये दो की हत्या का होने का मामला सामने आया है। जी सुरेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि दो शवों की शिनाख्त इस तरह से हुई है कि पिता पुत्र की हत्या करने के बाद नहर में शव फेंके गए, लेकिन बाकी जो दो शव है, क्या उनमें भी किसी ने भी मामला दर्ज करवाया है, हत्या की आशंका जताई है? जी नहीं, दो पुत्र और पिता की हत्या का मामला है, वो तो हत्या का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जो एक अन्य की शिनाख्त हुई है उसमें अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और एक की अभी शिनाख्त होनी बाकी है। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि IGNP नहर में शव मिलने के मामले में खुलासा हो चुका है। छत्तीसगढ़ SHO संदीप कुमार ने इन पूरे मामले की जानकारी दी।